अरे ये वापस क्यों लिया है? तुम तो रिदा बिटिया क्या गए थे? खामोश क्यों हो, जवाब दो। बेटियों के नसीब देखकर दुखी हो रहा। माँ बाप अपनी बेटियों को सब कुछ दे सकते हैं लेकिन अच्छा नसीब नहीं दे सकते। साफ साफ बताओ पहलियां क्यों बुझवा रहे हो? मैं जब फरूट लेके गया तो वहां पर ऋषान साहब ने वापस कर दिया। वो झगड़ा किया उन्होंने बहुत रिदा बीबी से और कहा कि मुझे ये भीख नहीं चाहिए। रिदा बीबी बहुत रो रही थी लेकिन बाहर जब मैं वापस लेके आया उन्होंने मुझे समझाया कि ये गरीबों में कहीं बांट दो, तो फिर मैं लेके यहाँ वापस आ गया और यहाँ रख दिया। और उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं बताना। तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हें रिदा बिटिया ने कहा है। अभी तो बेगम साहब मुझे जरूरी काम से जमीनों पर भेज रही हैं। इसको यहीं रहने दो, जब मैं वापस आऊंगा तो फिर इनका कुछ करेंगे। रिदा क्या कर रही है? वो जी साहब जी के कपड़े ठीक करके अलमारी में रख रही हैं। हर वक्त काम करती रहती है, एक मिनट फारिग नहीं बैठती। और साहब जी फिर भी उनसे खुश नहीं रहते, हर वक्त डांटते रहते हैं, बेइज्जती करते रहते हैं उनकी। हर वक्त डांटता रहता है जिशान? और नहीं तो क्या, बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि उन पर हाथ उठाने लगे। अपने घर में तो शहजादियों की तरह रहती थी, यहाँ आके क्या हाल हो गया है उनका। बुरा मत मानिएगा माँ जी, आप साहब जी को समझाएं। अच्छा चलो बस बांध भी दो आप। जिशान जी, इनसेंस की फाइल कंप्लीट हो गई? सर वो मैं उसी पे काम कर रहे हो। तुमने काम ख़त्म नहीं किया अभी तक? दो दिन गुजर गए तुम फाइल लेके बैठे हुए हो। मैं बॉस को क्या जवाब दूँ? बॉस मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, बोल दूँ उनको कि तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया? कल तक इंशाल्लाह मैं कर दूँगा। कल नहीं, आज शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। आज शाम तक तुम्हें ये कंप्लीट करनी है, फिर मैं बॉस से मीटिंग कर लूँगा और फिर वो जो कहें वो जो करें, मुझसे कंप्लेंट नहीं करना। जी सर। ये देखें फहान। क्या है ये? फ्रूट्स की क्रेट्स। हाँ लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे क्यों दिखा रही हो? यही दिखाने में आपको यहाँ लेकर आई हूँ कि ये सारे चोरी के क्रेट्स हैं जो जायदा जी ने किए हैं। खाला जान सब नौकरों को उनके हिस्से देती हैं लेकिन नहीं, जायदा ने सारे चोरी के डब्बे इकट्ठे किए हुए हैं। यही बताना चाह रही थी मैं आपको लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। जायदा से मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी, उसकी हरकत पे गुस्सा आ रहा, करता हूँ बात उससे। जायदा आपा जी। कितने अफसोस की बात है वैसे। नहीं बोलने दो, हम सब घर वालों ने आप पर हमेशा इतना एतबार किया, आपको ईमानदार समझते रहे और आपने हमारे घर में चोरी की। हम सायदा चोरी नहीं कर सकती बेटा। नहीं फाम बेटा, मैंने चोरी नहीं की। अच्छा आपने चोरी नहीं की तो आपके क्वार्टर के बाहर जो इतने सारे क्रेट्स हैं कहाँ से आए वो? चलें खाला जान ने आपको ज्यादा से ज्यादा दो दे दिए होंगे, बाकी सब कहाँ से आए? रिदा बीबी बहुत रो रही थी लेकिन बाहर जब मैं वापस लेकर आया उन्होंने मुझे समझाया कि ये गरीबों में कहीं बांट दो, तो फिर मैं लेके यहाँ वापस आ गया और यहाँ रख दिया। और उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं बताना। जवाब दें। कैसे कोई जवाब देंगे, रंगे हाथों जो पकड़ी गई हैं आप। ज़ायदा आपा, मेरा नहीं ख्याल कि जो हालात बन गए हैं उसके बाद आपको यहाँ काम करना चाहिए, मुनासिब नहीं लगेगा। फार्म बेटा तुम अम्मी जी प्लीज़।